आज हम देखेंगे क्लास 8, सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसका चैप्टर नंबर 2.2, नेचर क्रिएटेड मैन एंड वुमेन्स एज इक्वल। तो हम वार्मिंग अप से शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, स्टडी अ पिक्चर बिलो एंड नोट डाउन द डिफरेंसेस। तो आपको ये जो नीचे पिक्चर दिया है उसका आपको डिफरेंसेस पता करना है और उसके बारे में लिखना है आपको। तो पहले पिक्चर में क्या दिखाया है कि एक लड़का है और एक लड़की है। तो एक में लड़का स्कूल जा रहा है और दूसरे में वो लड़की जो है अपने घर में काम करने जा रही है, यानी वो स्कूल नहीं जा रही है। और ये वाले पिक्चर में बताया है कि ये दोनों स्कूल जा रहे हैं। आपको यहाँ पे वो लिखना है। तो ये आपके सामने है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका इस पिक्चर में ये जो वुमेन है वो पॉट लिया है उसने पानी का, और अपने बैग में पीछे अपने बच्चे को उसने बांधा है। और ये दूसरे वाले पिक्चर में जो वुमेन है वो बच्चे को क्या कर रही है, टीच कर रही है। तो आपको ये यहाँ पे लिखना है। तो आप इसको भी लिख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी नेक्स्ट है आपका, नाउ राइट व्हाट यू ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग टू पिक्चर। अभी आप ये दो पिक्चर में क्या देख रहे हैं वो आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैन और वुमेन दोनों घर का काम कर रहे हैं, और नीचे ये बॉयज और ये गर्ल, ये दोनों घर का काम कर रहे हैं। और ये पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि चाहे वो वुमेन हो या मैन, वो लोग इक्वालिटी ऑफिस में काम कर रहे हैं, यानी कोई फ़र्क नहीं है, वो लोग इक्वली काम कर रहे हैं। तो आपको सेकंड पिक्चर में ये लिखना है। तो आपका आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी थर्ड आपको क्या दिया है, विच पिक्चर रिफ्लेक्ट जेंडर इक्वालिटी एंड राइट देयर नंबर। अभी कौन से पिक्चर में आपको लगा कि औरत आदमी इक्वल है, तो कौन सा पिक्चर है वो देखो। फर्स्ट वाले में ये दोनों राइट वाला, ये और ये, इसमें लड़का लड़की दोनों साथ में स्कूल जा रहे हैं और यहाँ पे जो औरत है वो पढ़ा रही है, समझा। इसमें ये इक्वालिटी है। और नीचे वाले पिक्चर में कौन सा आपको लग रहा है इक्वालिटी, तो इसमें दोनों पिक्चर में इक्वालिटी है, इसमें आदमी औरत और बॉयस गर्ल दोनों काम कर रहे हैं, घर का और ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वालिटी है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, तो उसका भी आंसर आपके सामने है, सॉरी, तो आप उसका भी आंसर लिख लीजिए। अभी नेक्स्ट है आपका डी, राइट डाउन एनी टू स्लोगन ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी पे कोई भी दो स्लोगन लिखना है, तो उसका आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी नेक्स्ट है आपका, अभी आपको क्वेश्चन आंसर में आना है। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल नेचर सराउंडिंग ऑफ द हाउस। उसका आंसर भी आपके सामने है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, वॉट हेल्प डिड लेंथोई नीड फ्रॉम हर मदर। तो उसका भी आंसर आपके सामने है,
तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट डिड लेंथोइस फादर वर्क एज, उसका भी आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट है, इन व्हाट वे डिड द तोम्बा कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स असामबीज सक्सेस, उसका भी आंसर आपके सामने है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, हाउ डिड मदर एक्सप्लेन लेंथोइस टॉपिक फॉर हर स्पीच एट स्कूल, इसका भी आंसर आपके सामने है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाउ इज द रोल ऑफ अ मदर ऑनर एंड प्रेस्ड, तो इसका भी आंसर आपके सामने है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट आर द अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न वूमेन, इसका भी आंसर आपके सामने है। ये वेब के रूप में है। नेक्स्ट है, व्हाट सोशल जस्टिस डज द एजिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन गारंटी, इसका भी आंसर आपके सामने है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, वर्ल्ड विजन मीट हर आइज आई वेन लेंथर्स रसेस आउटडोर, इसका भी आंसर आपके सामने है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट डज दैट विजन सिंबलाइज, तो इसका भी आंसर आपके सामने है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंग्लिश वर्कशॉप, तो फर्स्ट है फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड प्रेस दैट मीन द फॉलोइंग, तो आपको लेसन से ये फाइंड आउट करना है, तो इसका आंसर आपके सामने है। आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपका पिक आउट फाइव कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, तो आपके पास ये चार कंपाउंड वर्ड्स है और पांचवा आप लिख लीजिए एनीवेयर या फिर हाउस होल्ड, बहुत सारे लेसन में आप बहुत सारे लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा में लिख दीजिए एनीवेयर या फिर हाउस होल्ड, ये चार के साथ लिख दो। पांचवा हाउस होल्ड।
नेक्स्ट है आपका आंसर इन योर ऑन वर्ड्स. फर्स्ट है रीड एंड राइट 5 पॉइंट विच प्रूव दैट तोम्बा यानी लिंथोन्स फादर फॉर्मली बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी. तो आपको इसका आंसर आपके सामने है, 5 पॉइंट लिखना है. तो ये पहले 2 पॉइंट है, उसके बाद 3 पॉइंट और. नेक्स्ट है इन व्हाट वे इज असम्बी डिफरेंट फ्रॉम अदर वुमेन ऑफ हर कम्युनिटी. तो इसका भी आंसर आपके सामने है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट है आपका What are the provision in the Declaration of United Nation to ensure equality of men and women? तो आपने ये आंसर पहले भी लिखा है, वही आंसर यहाँ पे कॉपी करके लिख लीजिए. वो आंसर मैं आपको फिर से यहाँ पे दे रही हूँ, आप कॉपी कर लीजिए. अभी नेक्स्ट है आपका हु सेड टू हूम एंड व्हेन एंड व्हाई. तो ये वन बाय वन लिख लीजिए आप. द वर्ल्ड इज फुल्ड ऑफ इनइक्वालिटीज, ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला. इट इज़ अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, ये फर्स्ट और थर्ड का आंसर है. नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग, ये सेकेंड वाले का आंसर है. आवर होम इज फुल ऑफ लव, ये इसका आंसर है. और लास्ट है ये वी कैन अफर्म अलोंग द यूनाइटेड नेशन दैट मैन एंड वुमेन आर इक्वल. अभी आपका चौथा है वी हैव स्टडी इन द प्रीवियस क्लासेस दैट प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज इंस्टेड ऑफ नाउंस. तो हमने ये पिछले साल हमने कुछ नाउन सीखे थे ना, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है. तो इसका क्वेश्चन इधर है, कहाँ है इसका क्वेश्चन, ये रहा. अंडरलाइन द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नेम देयर टाइप्स. हमको ये सेंटेंस में से प्रोनाउन फाइंड आउट करना है, उसको अंडरलाइन करना है और उसका नाम लिखना है. तो पहला है व्हाट डू यू वांट टू डू, तो इसमें क्या आएगा, व्हाट आएगा और यू आएगा. व्हाट हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और यू हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन. तो आंसर आपके सामने है. सॉरी. सेकंड है आपका इट इज़ बिकॉज ऑफ योर फादर दैट आई फील नो इनइक्वालिटी. तो इसके अंदर योर आएगा और आई आएगा, ये आपका हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन. इसका भी आंसर आपके सामने है. थर्ड है दिस इज व्हाट योर टॉपिक दिस मीन्स, इसमें दिस और योर. दिस हो जाएगा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन और योर हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन. आंसर आपके सामने आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए. और लास्ट है आपका शी इज फैसिनेटेड बाय द स्मॉल ट्रेल विच वाइंड अप द माउंटेन. तो इसमें शी है और बीच है. शी आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन
और विच हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।